मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर किया बड़ा हमला। कहा, पहले इंसानों का अपहरण होता था, योगी सरकार में पूरी की पूरी बस का ही अपहरण हो जा रहा है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने कोरोना संकट से निपटने में भी बीजेपी सरकार के फेल होने का आरोप लगाया। देश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लंबे समय के बाद अपने जनपद इटावा पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपनी सरकार के कार्यकाल में बनाए गए लायन सफारी का जायजा लिया। किसी टूरिस्ट की तरह पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लायन सफारी का आनंद लिया और अपने साथ मौजूद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप यादव को भी लायन सफारी दिखाई। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पहले इंसान की पकड़ होती थी, अब बसों को हाईजैक किया जाने लगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में लगातार कोविड-19 के चलते जनता अपनी जान गंवा रही है, वहीं उत्तर प्रदेश के दो मंत्री भी कोविड-19 का शिकार हो चुके हैं। लेकिन फिर भी सरकार के पास अभी तक कोई ठोस रणनीति नहीं है, ना ही कोविड के लिए अस्पतालों का समुचित विकास हो पाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार सभी मोर्चे पर फेल है, जनता को गुमराह करके सत्ता हासिल कर ली है, लेकिन जनता को कोरोना संक्रमण और बेरोजगारी में सरकार ने अकेले छोड़ दिया है। इंडियन ओपिनियन के लिए इटावा से राहुल तिवारी की रिपोर्ट। निरीक्षण करने गए हैं आप? हम निरीक्षण नहीं कर सकते, हम देखने गए हैं और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से समाजवादी सरकार में बना था और आगे जाए, क्योंकि जिस समय ये शुरुआत हुई थी तो हजारों की संख्या में लोग आए थे। कम से कम एक स्थान ऐसा बन गया जहाँ परिवार के साथ आया जा सकता है और जो जानवर दुर्लभ है, देखे नहीं जा सकते, उनको एक जगह देखने का मौका मिलता है। शेर जो जंगल का राजा है, उसका ये बहुत ही बड़ा सेंटर बना जा रहा है। मैं समझता हूँ देश का सबसे पहला सेंटर है जहाँ पर शेरों ने जन्म लिया है। इस जगह की पहचान किसी और वजह से थी, लेकिन आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि लायन सफारी इटावा के लिए एक गर्व की बात होगी। जिस तरह से शेर प्राइड है हमारा, इसी तरह इटावा के लिए लायन सफारी भी हमारे बहुत सम्मान की बात होगी। हमें उम्मीद है ये लायन सफारी दुनिया के मानचित्र पर दिखाई देगी। सर, आपने वो सफारी देखा तो अभी लॉकडाउन है, अभी देख के क्या लगा सर कि सफारी किस स्थिति में है? लॉकडाउन है इसलिए बहुत समय नहीं गुजारा, लेकिन मैं चाहता था एक बार यहाँ की हरियाली देख लूँ, केवल हरियाली देखने में आया था। प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है सर, अब बसें हाईजैक होने लगी। अभी तक तो सुनने में आता था कि लोगों का अपहरण हो रहा है और उत्तर प्रदेश का ये अजीब सरकार है जहाँ पर बस का हो गया इस तरह का। अब पता नहीं, मुझे जानकारी नहीं मिली है कि बस मिल गई है कि नहीं मिल गई है। और क्योंकि बस मिल गई है तो ये उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल है। सर, कोरोना से काफ़ी गरीब मजदूर, काफ़ी लोग परेशान हैं। सरकार वादे तो कर रही है कि हमने ये किया वो किया, लेकिन धरातल पर चाहिए लोगों तक पहुँच नहीं रही है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से दुनिया परेशान है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा लोगों की जान गई है, 1,60,000 से ज़्यादा लोग जा चुकी जान। इधर भारत में भी जान जाने वालों की संख्या बढ़ रही है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में दो मंत्रियों की जान गई है और लगातार सूचनाएं आ रही हैं कि लोग बीमार होते जा रहे हैं। कई लोग जो पहले से गंभीर बीमार हैं उनके लिए बहुत ही मुश्किल समय होता है, इसलिए लोगों को सावधानी रखनी पड़ेगी तब तक जब तक इलाज ना आए और जब तक वैक्सीन ना जाए तब तक हमें बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। 2022 के लिए सर तैयारियां किस तरीके से? ये सरकार तो ऐसी है जिसने लॉकडाउन के बाद भी अस्पताल का इंतज़ाम नहीं कर पाया। लॉकडाउन आखिरकार इसीलिए था कि अस्पताल, दवाई या जो सुविधाएँ मिलनी थी उनका इंतज़ाम हो जाए, लेकिन सरकार नहीं कर पाई। सर, 15 अगस्त को सीपॉल गए, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। सर, एक छोटा उसमें मैं प्रेस करूंगा, आपसे अलग से बैठ के बात करूंगा। उन्होंने कहा सर सफाइयों के एकजुट करने के लिए कोई भी कुर्बानी देंगे, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? उस पर बैठ करके आप लोगों से बात करने का मौका मिलेगा और मैं खुद बुलाऊंगा आप सबको, लेकिन बीजेपी की हर चाल से सावधान रहना पड़ेगा।
और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।